अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। सूजी का हलवा हर घर में बनता है और हर किसी की अपनी रेसिपी होती है। मैं आज आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है और आप इसको नाश्ते में खा सकते हैं, पराठे के साथ, पूरी के साथ, शाम की चाय में आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बना है और इंग्रेडिएंट्स देख लें सारे आप जितने मैंने लिए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है पानी, हम शीरा बना लेंगे सबसे पहले। तो पानी लिया है, पानी में मैं डाल रही हूँ चीनी। पानी तकरीबन मैंने 1 लीटर लिया है और उसमें मैंने चीनी डाली है तकरीबन 300 ग्राम, और जर्दे का कलर भी मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इससे कलर ज़रा अच्छा आता है, इसलिए आप इसको डाल भी सकते हैं। तो इसको हम लोग बॉयल लाएंगे। ये देखिए, इस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम लोग इस तरह से इसको बॉयल आने देंगे। तो इस तरह से ये देख लें, अच्छे से ये हमारा 2 से 3 मिनट तक उबलता रहा है। तो अब मैं चूल्हा बंद करके इसको हटा रही हूँ। तो ले लिया मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी, और घी मैंने लिया है 100 ग्राम्स, और इसमें मैं इलायची डालूंगी तकरीबन 5 से 6। और इस घी में आप मैंने ये नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होने वाला घी है वो लिया है। आप चाहे तो आप देसी घी में भी बना सकते हैं। और सूजी मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 200 ग्राम 1 कप के करीब, और इसको हम पहले अच्छे से सूजी को भून लेंगे तकरीबन 10 मिनट तक, 8 से 10 मिनट तक। इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो हमारी सूजी जो है ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी, इसकी स्मेल आने लग जाएगी, इसलिए आप 10 मिनट से ज़्यादा इसको ना भूनें। तो ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको भूना है, और इसका कलर चेक कर लें, और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। उसके बाद हमने जो शीरा बनाया अब ये इसमें ऐड कर लेंगे। तो शीरा हमने ऐड कर दिया और चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। चूल्हा बंद करके अगर आप डालेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम लोग इसको अच्छी तरह से अब पका लेंगे। तकरीबन हम लोग इसको 5 से 7 मिनट मज़ीद पकाएंगे, इसका पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से फूल भी जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे रखते हैं, आप इसको पतला रखते हैं, आप इसको गाढ़ा रखते हैं। अगर आप सुबह नाश्ते में पूरियों के साथ या हल पराठे के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला रखें। तो मैं इसको शाम की चाय के लिए बना रही हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा बना रही हूँ। तो इसमें अब मैंने सारे अपने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए, पिस्ता डाल दिया, बादाम डाल दिया, किशमिश डाल दी, और इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको भूना था, और ये देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये कितने अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो इसको मैं अभी डिश में निकालती हूँ, सर्व करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लगता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप अगर इसी रेसिपी को फॉलो करके चलेंगे तो आपका भी यकीनन इसी तरह का मज़ेदार सा बनेगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे ये हलवे की रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।